लोगों की इच्छा यही थी, और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया, तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततो गत्वा। और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया, और वो हो जाने के बाद फिर जो सब की इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई, और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे इधर तीन दल, तो उसमें से तो दो निकल गए, अब तो अकेले न हैं, और एक जो उनके साथ भी था उसको तो बाहर करके उसके लोगों को अपने साथ में लिए थे। भाई याद करिए ना 2020 वाला जो, तो अब हम लोग तो बिल्कुल देखिए अब सब अपना इधर हैं, तो एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाना है सब मिल करके, और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। बहुत लोग कोशिश करते हैं इधर उधर कुछ न कुछ होता रहे, तब वो हमको अच्छा नहीं लगता था कि बेकार बिना मतलब की बात है कोई ना कोई विषय उठा करके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि समाज में एकदम बिल्कुल ही टकराव हो और उसका फायदा लें, तो ये सब तो बेकार चीज है। तो हम लोग तो लगे प्लस श्रेणी मिला उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है। अरे काहे का कोई आपत्ति जलाएगा, आप गजब बात करते हैं, डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको काहे नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है। तो क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, ये सब बेकार बात है। अब आगे जो काम होगा उसको देखिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हम सब आप लोगों की भी इज्जत करते रहेंगे। उनकी इच्छा न है, अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस, वो आप जानते ही है, इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे, और आप सब लोगों को मालूम है नियम और कानून सब चीज को मालूम है, इसलिए मुख्यमंत्री रात को सिनेमा हॉल जाने में डर लगता है, केंद्रीय परियोजनाओं में पैसे में कटौती का क्या होता है, तब जानी ना हर जगह, तो हम इसलिए बोलते रहते हैं ना, आप जानते हैं लगातार अभियान चला रहे हैं समाज सुधार अभियान, जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए कोशिश कर, अब तो धरा न जा रहा है, और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।